कहते हैं पढ़ लिख कर आखिर क्या करोगी, तुमको तो किसी का घर बसाना है। कहते हैं तुम हो अमानत दूसरे की, उनसे कहो अपनी भी जिद है, तोड़े हम सारे ये बिजरे छूले। राकेश कुमार कौशिक है, मैं डायरेक्टर हूँ राजस्थान महिला कल्याण मंडल में। संस्था की शुरुआत 1975 को हुई। 18 जुलाई 1975 को अजमेर शहर में बाढ़ आई थी। बाढ़ जब आई तो यहाँ ख्वाजा साहब का उर्स भी संचालित हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में मानवता का कर्तव्य क्या कहता है, हमको क्या करना चाहिए? सब लोगों ने कहा, खास तौर से महिलाएं आगे आईं। उन्होंने कहा कि हम दोनों समय हर घर से 5-5 रोटियां बनाएंगे, सब्जियां लाएंगे और हमारे पास जो पुराने कपड़े हैं उनकी हम मदद करेंगे। तो ये करीब 50 से ज़्यादा महिलाओं का एक समूह बना जिन्होंने 1.5 महीने से ज़्यादा उन बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करी। क्योंकि इस पूरे अभियान में महिलाएं आगे थीं, इसलिए संस्था का नाम राजस्थान महिला कल्याण मंडल पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम क्षमा राकेश कौशिक है। मैं संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल में मुख्य कार्यकारी एवं सेक्रेटरी के रूप में काम करती हूँ। संस्था 4 कोर एरियाज में काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइवलीहुड एंड माइक्रो फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसे हम कहते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन तक पहुँचना है। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे कारणों से इस शिक्षा से वंचित होते हैं, चाहे वो हमारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, चाहे वो विशेष शिक्षा है। मुख्य रूप से बहुत बार अभिभावकों की जो अवेयरनेस है उसकी कमी की वजह से जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं ऐसी सुविधाओं तक। और इसी के लिए हमारा एक सबसे बड़ा कार्यक्रम संचालित होता है जिसका नाम है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ये जो कार्यक्रम है ये WHO के द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। WHO ने इसकी 5 जब हम पिलर्स की बात करते हैं तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एम्पावरमेंट और सोशल। जब एक बच्चा पैदा होता है और मान लीजिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और सबसे पहला वही एक सिचुएशन रहता है कि भाई हम लोग कैसे घर लेके जाए उस बच्चे को। तो जब तक बच्चा घर आ जाता है, पेरेंट्स हैं वो बहुत ही आराम से, उनको लगता है अब मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले वो NICU में भी रहा है। एक्चुअली लगता है कि उसी समय से हमें काम करने की ज़रूरत है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब बच्चा छोटे होते हैं तभी उनका विकास का दर बहुत अच्छा रहता है। जब हम ये कहते हैं कि 0 to 2.5 years तक में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता होना कि भी कब डिसेबिलिटी शुरू हो सकती है या हम डिसेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए हम लोग काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोग पुष्कर फेयर में अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया इनके थ्रू भी हम लोग काफ़ी अवेयरनेस मटेरियल भी लोगों तक पहुंचाते हैं। पर ये एक ऐसे लोगों तक पहुंच पाता है जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं। गांव स्तर पर हमारा जो मुख्य प्रचार प्रसार का माध्यम होता है वो ये होता है कि हम पपेट शोज़ गांव में जाके करते हैं। हम लोग पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनसे पूरा डेटा लेते हैं कि भी अगर गाँव में ऐसा कोई इस उम्र में बच्चा है जिसने मुख्य रूप से ये 24 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि 6 महीने का जब बच्चा होता है तब तक उसको बैठना चाहिए, या बच्चा लगभग जब 8-9 महीने का होता है तो वो कुछ एक शब्द अपने मुंह से निकाले। तो इस तरीके के छोटा छोटा एक हमारे पैम्फलेट्स बनाए हैं जो प्री नेटल, नेटर, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, आशा को भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जब गाँव में जाए और ऐसे बच्चे उनके सामने आए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें और अभिभावकों को इसके बारे में बताएं। तो आइडेंटिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं, जैसे मैंने कहा आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, और इसके अलावा जो हमारा एक मुख्य कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हम लोग रन करते हैं।
जो है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी मोटिवेटर हेल्थ। हमारा CMH जो है वो छोटे बच्चों के वार्ड्स में जाता है, ऐसे बच्चे जो NICU में एडमिट है। जब हम ये कोई भी एक बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफाई होने के पश्चात सबसे पहला जो काम होता है वो होता है उस बच्चे का डिटेल असेसमेंट। इसमें हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं जिसमें बच्चों का कितना बुद्धांक या बौद्धिक विकास हुआ है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसका स्पीच का असेसमेंट होता है, चल नहीं पा रहा है, फिर नहीं पा रहा है तो उसका फिजियो का असेसमेंट होता है। मेरा नाम इंदिरा है, मेरे बच्चे का नाम नितेश है और इसकी ये 18 महीने का हो गया है। तो इनकी रोज इसकी एक्सरसाइज करवाते थे, एक दिन छोड़ के रोज आते थे मेरे पास। फिर उसके बाद ये मतलब घुटने के बाद चलने लग गया। फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे 18 महीने का हुआ ना ये, फिर बाद में पैरों से चलने लग गए। कुछ पहले तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। बहुत खुश, मेरे सर का बहुत धन्यवाद है। इस तरह से असेसमेंट करके उसकी जो करंट एबिलिटी है उसमें क्या भी योग्यताएं हैं वो योग्यताओं को आइडेंटिफाइड किया जाता है और उसको क्या नीड है आगे के लिए उस नीड को आइडेंटिफाइड किया जाता है। जब हम लोग नीड आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो उन नीड के आधार पर हम लोग उसके लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए टारगेट सेट करते हैं। तो वो टारगेट होता है उसको हम लोग IEP बोलते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं हर एक बच्चा यूनिक होता है और हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है और जब वो टारगेट हम लोग अचीव कर लेते हैं उसके बाद हर 6 मंथ पे उसका फिर से असेसमेंट होता है। जब हम लोग इसके टारगेट अचीव कर लेते हैं हमें लगता है कि अब बच्चे में जो प्रॉब्लम थी, जैसे अगर उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम थी तो अब वो बिहेवियर प्रॉब्लम उसकी रिड्यूस हो गई है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बच्चा जो है स्कूल तक जा सकता है। या हमने उसके जैसे जो प्रॉब्लम थी कि बच्चा चल नहीं पा रहा था और हमने उसको असिस्टेड डिवाइसेस दिलवा दिया है, व्हील चेयर दिलवा दी या ट्राईसाइकिल दिलवा दी जिसके सहयोग से वो और स्कूल तक जा सकता है। तो वो ऑब्स्टिकल मिनिमाइज होने के बाद हम उस बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट, जैसे अगर बच्चा मान लीजिए 6 साल का है तो उसको आंगनवाड़ी पे एनरोल करवाते हैं, या 6 से 14 साल के बीच का बच्चा है तो उसको हम लोग जो नियर बाई स्कूल होता है वहाँ पर जाके उसको एनरोल करवाते हैं। इन बच्चों के साथ जो मेन दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो इसके इनके जो पीयर ग्रुप रहते हैं वो इनको बुलिंग करते हैं। तो ये बुलिंग करने से ये बच्चे जो होते हैं, क्योंकि ये वैसे भी आइसोलेट दुनिया से निकल के एकदम से इंक्लूसिव फॉर्म में आते हैं, तो जैसे ही इन पर बुलिंग होती है ये लोग वापस से कोशिश करते हैं कि यार ये मैं कहाँ आ गया, और वापस से स्कूल से घर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, इसको चैलेंजिंग चैलेंजेस हम लोग बोलते हैं। एक हाथ से उसको शर्ट पहनना होता है तो उसको महसूस होता है कि जिस व्यक्ति के एक हाथ है, जिस बच्चे के एक हाथ है, वो किस तरह से अपने रोजमर्रा के काम करता होगा। इसी इस तरह की जो एक्टिविटी है ये चैलेंजिंग चैलेंजेस एक्टिविटी हम लोग हर स्कूल में करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने मेनस्ट्रीमिंग करवाए हैं बच्चों को, तो वो बच्चे समझ पाते हैं कि इन बच्चों को किस तरह की दिक्कतें आती है। तो हम लोग इस तरह से उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे वो बच्चे इनको हर एक एक्टिविटी में फिर साथ लेते हैं कि यार। इसी तरह से जैसे टीचर की मैं बात करूं तो टीचर को जो दिक्कतें आती है, टीचर पहली चीज़ तो उनकी चीज़ों को समझ नहीं पाता है, डिसेबल बच्चों की बात को समझ नहीं पाता है, या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको नहीं समझ पाता है कि उसको क्या नीड है या मैं उसके साथ कैसे काम करूं। इसके लिए संस्था रेगुलरली हर साल गवर्नमेंट टीचर्स के साथ में ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरे हस्बैंड है और हमारी एक गुड़िया है पल्लवी। आंगनवाड़ी जाने से बहुत खुश होती है और वहाँ जो इसको एक्टिविटी कराते हैं वहाँ घर पर आकर हमको बताती है, समझाती है कि आज ऐसा करा है, ऐसा करा। इसको वो जब करते हुए देखते हैं तो हमको बड़ी खुशी मिलती है कि चलो कुछ चीज तो समझ रही है ये, मतलब हम समझे सबसे पहले तो हमने बच्चे को वैसा गाइड किया और वो समझे हम मीनू स्कूल से। शिक्षा का जो काम है वो मुख्य रूप से 15 साल तक के दिव्यांगजन के लिए संस्था कर रही है। 15 साल से 18 साल तक के जो दिव्यांगजन अपने अलग अलग केंद्रों में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको संस्था वोकेशनल यूनिट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रोवाइड करवा रही है। वोकेशनल में संस्था ने मुख्य रूप से 3 यूनिट स्थापित किए हुए हैं
उसमें स्टेशनरी यूनिट है। स्टेशनरी में हम लोग फाइल फोल्डर बनाना, डायरी बनाना, हैंडमेड पेपर्स के अलग अलग कुछ आइटम बनाना, ये मुख्य रूप से दिव्यांगजन को सिखाते हैं। वुडन यूनिट में हम लकड़ी के खिलौने बनाना, कुछ टीचिंग मटेरियल बनाना जो छोटे बच्चों के लिए, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग पजल्स और कुछ अक्षर आदि बनाना, ताकि वो छोटे बच्चे उनसे सीख सके। प्राइमरी क्लासेज के लिए हम लोगों ने टीचिंग मटेरियल्स वुडन में तैयार किए हैं। इसी तरह से डेको यूनिट, जिसमें कबाड़ जुगाड़ से जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे कुछ खिलौने और सजावटी सामान बनाना दिव्यांगजन को सिखाया है, ताकि ये लोग रोजगार से अपने आप को जोड़ सकें। इन सब प्रोडक्ट का हम अलग अलग जगह प्रदर्शनी में सेल लगाते हैं, उसका जो लाभ प्राप्त होता है वो इन दिव्यांगजन को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इन तीनों यूनिट में क्योंकि बहुत ही सीमित लोगों को हम लोग जोड़ पाए थे रोजगार से, तो और हमने विचार विमर्श किया, संस्था में बैठकर कार्यशालाएं की कि क्या उपलब्ध, क्या संसाधन हो सकते हैं, क्या विकल्प हो सकते हैं। तो विचार विमर्श में हमें अलग अलग जो रोजगार प्रदाता हैं, जिसमें बड़े होलसेलर, मोटर्स सर्विस और मेंटेनेंस की जो कंपनियाँ हैं, 50 से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम लोग स्थायी रोजगार से जोड़ पाए। संस्था जब भी अपने अपने स्टेक होल्डर से मिलती थी तो एक बड़ी समस्या हम लोगों को सुनने को मिलती कि सर हमारे गार्डन जो हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए बंदे नहीं मिल पा रहे हैं, माली नहीं मिल पा रहा है। तो संस्था ने उसको इनिशिएट किया कि मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट पे काम किया है। उसमें क्लीनिंग वाले पार्ट में हमने ज़्यादा जोर दिया है, इसके साथ डेकोरेशन और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में रूम मेंटेनेंस है, बेड बनाना है, बेडशीट बनाना है, बाथरूम बनाना है, ये सब चीज़ें इन दिव्यांग कैंडिडेट को सिखाई है। दोनों ही बैच में हम लोगों ने ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन रोजगार से जुड़ पाएँ। तो उस बेस पे हमने आगे बात करके अलग अलग होटल, रिसोर्ट और अलग अलग जगह पे 35 दिव्यांगजन को प्लेसमेंट दिलाया है। कंपोनेंट सोशल की बात करेंगे तो हमको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये कन्वेंशन 2006 में लागू हुआ, इसको इंडिया ने भी रेटिफाइड किया। मुख्य बात इसमें 4 कंपोनेंट को लेके बात की गई। पहला कंपोनेंट जो है वो डिग्निटी, दूसरा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, तीसरा नॉन डिस्क्रिमिनेशन और चौथा फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। जब हम लोग फील्ड में देखते हैं जिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं, तो गहराई से जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो परिवारों में ये सारी ही दिक्कतें हम लोगों को नज़र आती हैं। एक परिवार जो मूवी देखने जा रहा है, पार्क में जा रहा है, शादी समारोह में जा रहा है, तो उनका ध्यान जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उसकी तरफ नहीं जाता है। उनका ये मानना होता है कि अगर इसको हम लेके जाएंगे तो इसके लिए अलग से इसका ध्यान कौन रखेगा, ये हमको डिस्टर्ब करेगा। कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा रहेगा कि इनके परिवार में ये बच्चा कैसे है, तो उस बच्चे को अवॉइड किया जाता है, उसको साथ नहीं लेके जाता है। इसके अलावा ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि छोटे भाई बहन जो दिव्यांग व्यक्ति के हैं उनकी शादी हो जाती है, बड़े भाई से भी पूछा नहीं जाता है, ये अज्यूम करके ही पेरेंट्स और फैमिली के मेंबर चलते हैं कि सब ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, इसके तो मैरिज की कोई आवश्यकता नहीं। उससे बिहेवियर इस तरीके का पेरेंट्स, आस पड़ोस के लोग, सोसाइटी के लोग इस तरीके से करते हैं कि वो अडल्ट है, फिजिकली वो अडल्ट है, 20 ईयर्स का है, लेकिन जब बात करेंगे तो इस तरीके से करेंगे जैसे किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। उसमें पूरी फीलिंग्स है, वो पेरेंट्स के सामने नहीं बताता है। जब हम लोग काउंसलिंग सेशन करते हैं तो वो हमको ये बताता है कि साहब मेरे को अभी भी, मैं बड़ा हूँ लेकिन मेरे को अभी भी बच्चा समझते हैं। मेरा जो छोटा भाई है वो जब ऑफिस जाता है तो उसको टिफिन तैयार करके दिया जाता है, उससे उसकी मैरिज हो गई है, लेकिन मेरी मैरिज के बारे में कोई व्यक्ति नहीं पूछता है, कोई व्यक्ति चिंतित नहीं है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, और ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके के काउंसलिंग सेशन पेरेंट्स के साथ और कम्युनिटी के साथ निरंतर करता है। करीम कृष्ण खुदा हुआ, संजय
दिवाली पे लोग बाग कन्या भोजन के लिए बुलाते हैं ना, उसमें भी जाती है ये। अब वहाँ पे भी जाने लगे। और दिवाली और होली, होली भी इसने इस साल बहुत खेली होली, और दिवाली भी इसने ये सुबह, ये समझो कि इसको जीत करके दिवाली पे घर वापस लेकर आए, तो ये बोलते हैं मैं पूरा घूमूंगी। बोले ये क्या है कि सर के, जो सर ने जो अपने को जो इम्प्रूवमेंट दिया ना, हम तो सर क्या है कि मैं, हम मरते दम तक सर का एहसान नहीं भूलेंगे। एम्पावरमेंट में मुख्य रूप से हम जो काम करते हैं कि उसमें देखा जाता है कि बच्चे को जो सेल्फ एडवोकेसी और कम्युनिकेशन वाले पार्ट को हम मजबूत करते हैं, ताकि बच्चा अपने घर में एक स्वाभिमान के साथ रह सके और समुदाय में भी खुल करके अपने जीवन को जी सके। तो इसकी पहल हम CBR में जो करते हैं वो उनके घर से हम शुरुआत करते हैं कि बच्चा घर में भी अपना एक अहम रोल अदा कर सके, और उसके लिए छोटे छोटे जो घर में जो निर्णय होते हैं उसमें उस बच्चे की भागीदारी को सुनिश्चित करना हमारा मेन मकसद होता है, जिससे कि बच्चे को ये लगे कि ये घर मेरा है और उस घर के अहम मुद्दों में मुझे भी शामिल किया जाता है। दूसरा, घर में देखा जाता है कि जो बच्चे की पसंद और नापसंद को एक अहमियत मिले। आज घर की अगर बात करें तो घर में आज खाना क्या बनाना है माता पिता पूछते हैं, तो वहाँ पर बच्चे की पसंद को भी महत्व दिया जाए। आज बच्चे को क्या खाने में खाना खाना है, जो वो बोले वो उसमें रखा जाए घर की रसोई में, तो उसको ये लगेगा कि हाँ मेरी पसंद और नापसंद को एक अहमियत दी जा रही है। दूसरा, घर में जब हम बात कर रहे हैं तो घर के जैसे घर का जो माहौल होता है उसमें जो डिसेबल्ड जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा आदर और सम्मान का भाव उस परिवार में मिले, ताकि वो बच्चे को जिसको छोटे भाई बहन हैं तो उसको भैया कह करके पुकारे, तो उसको फीलिंग आएगी कि हाँ मैं इस घर का बड़ा भाई हूँ, ये मेरे छोटे भाई हैं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सशक्त महसूस करेगा। इसके साथ साथ एक पंचायत भी एक अहम संस्था होती है जो गाँव स्तर के ऊपर काम करती है। हमारी प्राथमिकता ये होती है कि हम ग्राम पंचायत की बैठकों में एक डिसेबिलिटी का एक अहम स्थान हो, खासतौर से दिव्यांग बच्चों की हितों को लेकर के उस पर एक प्रस्ताव लिखा जाए। आगे चल करके जो अगला पॉइंट हमारा आता है या हम फोकस करते हैं हमारे CBR में, वो होता है उसकी राजनीतिक भागीदारी। गांव स्तर के ऊपर एक ऐसा ग्रुप तैयार करें जहां पर वो छोटी छोटी बचत करके कल अपने जीवन को एक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके, अपने खुद के पैरों पर वो खड़ा हो सके, स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जी सके। इसके लिए हमने गाँव स्तर पर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। नाम रौनक सिरसिमार है, मैं बिहार का रहने वाला छात्र लड़का हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। जो विकलांग घर पर सो रहे हैं या घर पर रह रहे हैं, उनके माता पिता को ये कहना है कि उनको भी प्रेम प्यार दो तो वो भी आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर दिव्यांग जन को हम सहानुभूति और दया के नज़रिए से देखते हैं। सहानुभूति और दया के नज़रिए से देखना ही दिव्यांग जन के कल्याण और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहा हूँ।